गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम राहुल गुप्ता। वेलकम टू मैथ्स क्लास। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस एक्सरसाइज 2C फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4। लुक हियर, ए रोप ऑफ लेंथ 13 होल 1/2 मीटर हैज बीन डिवाइडेड इंटू 9 पीसेज ऑफ द सेम लेंथ। देखिए, सबसे पहले टोटल लेंथ ऑफ रोप दिया हुआ है। रोप मीन्स रस्सी। रस्सी की टोटल लंबाई दी हुई है 13 होल 1/2 मीटर। अब देखिए, इसको 9 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है। क्लियर? पूछा है क्वेश्चन में व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच पीस, तो एक पीस का लेंथ क्या होगा, तो देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। लुक हियर, फर्स्टली वी विल राइट लेंथ ऑफ रोप। टोटल लेंथ ऑफ रोप कितना है, 13 होल 1/2 मीटर है। जब आप इसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या होगा, 32 जा 26 127/2 मीटर होगा। नंबर ऑफ इक्वल पीसेज, टोटल नंबर ऑफ इक्वल पीसेज कितना दिया हुआ है, 9 पार्ट में डिवाइड हुआ है। और आपसे पूछा गया लेंथ ऑफ ईच पीसेज, तो लेंथ ऑफ ईच पीस कितना होगा, आप क्या करेंगे, 27/2 / 9 से हम डिवाइड कर देंगे। देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको। सो 27/2 लिख सकते हैं मल्टीप्लाई बाई 9 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/9। आपको पता है कि हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं और इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे 9 से कट कर सकते हैं, 9 3 जा 27, 3 बार में कट होगा तो क्या होगा, ऊपर बचा 3 बन जा 3 3/2। इसको हम चेंज भी कर सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन में, 2 बन जा 2 1 बचा 2 1 होल 1/2 इज द आंसर। 1 होल 1/2 मीटर इज द आंसर। सो नंबर वन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। 18 बॉक्सेज ऑफ नेल्स, नेल्स मीन्स क्या होता है, कांटी। क्लियर, वेट इक्वली ऑफ देयर टोटल वेट 49 होल 1/2। देखिए 18 बॉक्सेज नेल का है, क्लियर, उसका टोटल वेट कितना है, 49 होल 1/2 kg है। इट मीन्स वेट ऑफ 18 बॉक्सेज ऑफ नेल्स हैज गिवेन 49 होल 1/2 kg। हाउ मच डज ईच बॉक्स वेट, तो आपको इसमें फाइंड करना है एक बॉक्स का वेट कितना होगा। क्लियर, तो देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। लुक हियर, फर्स्टली वी विल राइट वेट ऑफ 18 बॉक्सेज ऑफ नेल्स। क्लियर, तो कितना दिया हुआ है, 49 होल 1/2 kg। जब आप इसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या होगा, 99/2 kg। क्लियर, आपसे पूछा है कितना वेट ऑफ वन बॉक्स, तो वन बॉक्स का वेट क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 18 से। क्लियर, 18 बॉक्स का दिया है तो वन बॉक्स का पूछ रहा है, तो 18 से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करते हैं 99/2 मल्टीप्लाई बाई इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/18। क्लियर, इसको लिख सकते हैं, ये दोनों नंबर किससे कट सकते हैं, 3 से कट सकते हैं, 3 6 18, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। अब किससे कट सकता है, 3 से भी कट सकता है, 3 2 जा 6, 11 बार में। इट मीन्स 11/2 2 जा 4, 11/4 इज द आंसर। चाहे तो इसको मिक्स प्राइस में कर सकते हैं, तो क्या होगा, 4 2 जा 8, 3 बचा 2 होल 3/4 kg इज द आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन 5 करने थे। नाउ मूव ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 6 देखिए। बाई सेलिंग ऑरेंज एट द रेट ऑफ 6 होल 3/4 पर ऑरेंज, क्लियर, ए मैन गेट्स 378 रुपीज, हाउ मेनी ऑरेंजेस डज ही सेल। देखिए कॉस्ट ऑफ पर केजी ऑरेंज कितना दिया हुआ, कॉस्ट ऑफ पर ऑरेंज कितना दिया है, 6 होल 3/4 रुपीज दिया हुआ है। क्लियर, यानी कि एक ऑरेंज का कॉस्ट आपको मिला हुआ है 6 होल 3/4। ए मैन गेट्स, एक आदमी अगर पूरे ऑरेंज को बेचता है तो इतना रुपीज वो क्या करता है, प्राप्त करता है, 378 रुपीज उसको मिलता है। पूछा है क्वेश्चन में हाउ मेनी ऑरेंजेस डज ही सेल, तो वो कितना ऑरेंज बेचा, यही आपको बताना है इस क्वेश्चन में। लुक हियर हाउ वी विल सॉल्व, फर्स्टली वी विल राइट क्वेश्चन नंबर 6, कॉस्ट ऑफ वन ऑरेंज, वन ऑरेंज का कॉस्ट कितना दिया है, 6 होल 3/4 रुपीज। तो इसको जब हम सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे कितना होगा, 6 4 जा 24 3 27/4,
क्लियर। नेक्स्ट स्टेप वी विल राइट टोटल कॉस्ट ऑफ द ऑरेंज सोल्ड बाय द मैन। टोटल कॉस्ट ऑफ द ऑरेंजेस सोल्ड बाय द मैन इज इक्वल टू 378 रुपीज। तो इसमें पूछा कितना रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ऑरेंजेस, नंबर ऑफ ऑरेंजेस आपसे इसमें पूछा हुआ है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ऑरेंजेस इज इक्वल टू 378 डिवाइड बाई 27/4। अब इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करते हैं 378 मल्टीप्लाई बाई, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या होगा 4/27। तो यहाँ पे हम 27 से ये कट सकता है, तो 27 बन जाए 27, 10 बचा, और 27 फोर जा 27, 10 27 वन जा 27, 10 बचा 100, 27 फोर जा 108, 14 फोर मल्टीप्लाई कर देंगे 14 फोर जा 56, 50 यानी कि नंबर ऑफ ऑरेंजेस कितने 56 इज द आंसर। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, लुक हियर, मैंगोज आर सोल्ड एट 48 होल 3/1/2 पर केजी। इट मींस कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ मैंगो हैज गिवन इज 43 होल 1/2। 1 kg मैंगो इतने रुपए में बेचा जाता है। व्हाट इज द वेट ऑफ मैंगो अवेलेबल फॉर 326 होल 1/4। तो कितना मैंगो बेचा जाएगा इतने रुपए में, क्लियर, ये पूछा हुआ है 326 होल 1/4 में कितने मैंगो बेचे जाएंगे, क्लियर। तो हम देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्टली वी विल राइट कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ मैंगो, 1 kg मैंगो का कॉस्ट कितना है 43 होल 1/2, क्लियर। तो जब इसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे क्या होगा 87/2, क्लियर। टोटल कॉस्ट ऑफ द रिक्वायर्ड मैंगो, टोटल कॉस्ट मैंगो का कितना है 326 होल 1/4। जब इसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या होगा 1305/4 रुपीज, क्लियर। तो आपसे पूछा गया है इसमें वेट ऑफ द रिक्वायर्ड मैंगो, तो लिखेंगे सो वेट ऑफ रिक्वायर्ड मैंगो इज इक्वल टू 1305 डिवाइड बाई 87/2। हम इसको डिवाइड कर लेंगे, अब हम क्या यहाँ क्या करेंगे 1305/4 मल्टीप्लाई इसको कर लेंगे, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे और इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो 87/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा 2/87, क्लियर। लुक हियर कैसे सॉल्व करेंगे, अब यहाँ पे हम 2 से 2 को कैंसिल कर सकते हैं, 2 2 जब 4, दो बार में कैंसिल कर सकते हैं, क्लियर। नीचे बचा आपका 2, अब 87 से जब हम 15 बार में कैंसिल करेंगे तो 1305 कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा 15 बार में। आप इसको चाहें तो डिवाइड करके देख सकते हैं, क्लियर। तो ऊपर क्या बचा 15, नीचे क्या बचा 2, तो लिख सकते हैं 15/2, और यहाँ पे हम इसको जब सिंपल मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 7 होल 1/2 होगा। इट मीन्स आंसर इज 7 होल 1/2 kg इज आंसर, यू कैन चेक फ्रॉम आंसर सीट। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, लिखा हुआ है विकास कैन कवर अ डिस्टेंस 20 होल 2/3 किलोमीटर इन 7 होल 3/4 आवर्स ऑन फुट। तो विकास इतने आवर्स में 7 होल 3/4 आवर्स में इतना डिस्टेंस कवर करता है 20 होल 2/3 किलोमीटर, इतने आवर्स में इतना किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। पूछा हुआ इसमें हाउ मेनी किलोमीटर पर आवर डज ही वॉक, तो एक घंटे में वो कितना किलोमीटर वो वॉक करता है, कितना डिस्टेंस कवर करता है, ये पूछा हुआ है क्वेश्चन में। तो देखते हैं कैसे सॉल्व होगा, क्वेश्चन नंबर 8, लुक हियर, फर्स्टली वी विल राइट डिस्टेंस कवर्ड बाई विकास इन 7 होल 3/4 आवर्स। 7 होल 3/4 आवर्स में कितना विकास कवर करता है डिस्टेंस 20 होल 2/3 किलोमीटर। तो यहाँ लिखेंगे सो डिस्टेंस कवर्ड बाई हिम इन 1 आवर, तो 1 आवर में डिस्टेंस कितना कवर करेगा 20 होल 2/3 डिवाइड बाई 7 होल 3/4 किलोमीटर। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, देखिए 23 जा 60 और 2 62/3 डिवाइड बाई लिख सकते हैं 4 7 जा 28 और 3 30 1/4, क्लियर। 62/3
मल्टीप्लाई इसको ले सकते हैं, इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे 4/31। 31 से 62 इजीली कट जाएगा, 31 टू जा 62, क्लियर। तो ऊपर क्या बचा, 2 4 जा 8, नीचे क्या बचा 3, ये इतना किलोमीटर होगा। तो या इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज करते हैं, 3 2 जा 6, 2 होल 2/3 किलोमीटर इज द आंसर। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। लुक हियर, प्रीति बॉट 8 होल 1/2 kg ऑफ शुगर, 242 होल 1/4। प्रीति 8 होल 1/2 kg शुगर इतने रुपए में क्या करती है, बेचती है, सॉरी खरीदती है। प्रीति इतना केजी शुगर इतने रुपए में खरीदती है, क्लियर। तो लिखा है फाइंड द प्राइस ऑफ शुगर पर केजी, तो 1 kg शुगर का कॉस्ट कितना होगा, क्लियर। तो इसमें पूछा दिया हुआ गिवन, कॉस्ट ऑफ 8 होल 1/2 kg ऑफ शुगर इज गिवन, 242 होल 1/4। सो वी विल राइट कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ शुगर वी हैव टू फाइंड आउट। सो लुक हियर हाउ वी विल फाइंड, फर्स्टली वी विल राइट कॉस्ट ऑफ 8 होल 1/2 kg शुगर इक्वल टू 242 होल 1/4। सो कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ शुगर इक्वल टू 242 होल 1/4 डिवाइड बाई 8 होल 1/2। सो नाउ वी विल डिवाइड, 242 में से पहले 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 क्या होगा, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16 का 6 1 कैरी, 4 2 जा 8 1 9, 968 और 969/4 डिवाइड बाई 2 8 जा 16 1 17/2, 969/4 मल्टीप्लाई बाई 2/17, 17 से कट जाएगा कि नहीं, 17 5 जा 85, 11 बचा कट जाएगा, 17 5 जा 85, 11 बचा, 17 7 जा 119, 2 2 जा 4 क्या हुआ, 57/2। इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए तो क्या होगा, 2 2 जा 4 1, 2 8 जा 16 1, 28 होल 1/2 रुपीज, यानी कि 1 kg शुगर का कॉस्ट कितना है, 28 होल 1/2 रुपीज है, क्लियर। तो क्वेश्चन 9 ऐसे आपको सॉल्व करने थे, लुक हियर, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, लुक हियर, इफ द नोटबुक, इफ द कॉस्ट ऑफ द नोटबुक इज 27 होल 3/4, मतलब एक नोटबुक का कॉस्ट दिया हुआ है 27 होल 3/4 रुपीज है, क्लियर। हाउ मेनी नोटबुक कैन बी परचेज, कितना नोटबुक खरीदा जा सकता है 249 होल 3/4 रुपीज में, कितना नोटबुक खरीदा जा सकता है ये पूछा हुआ है, क्लियर। तो देखिए कैसे हम सॉल्व करेंगे, गिवन कॉस्ट ऑफ वन नोटबुक, वन नोटबुक का कॉस्ट कितना दिया है, 27 होल 3/4 रुपीज दिया हुआ है। सो वी विल राइट नंबर ऑफ नोटबुक परचेज फॉर 249 होल 3/4, तो इतने रुपए में कितना नोटबुक खरीदा जा सकता है, तो देखते हैं कितना खरीदा जा सकता है, दोनों को हम डिवाइड कर देंगे, 249 से 4 में मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 4 9 जा 36, 3 कैरी, 4 4 जा 16 और 3 19 का 9 1 कैरी, 4 2 जा 8 1 9, 996 और 3 999 होगा, और 4 डिवाइड बाई 27 4 जा 81, 81 और 3 84, 84/4 यहाँ आप लिख सकते हैं, 999/4 मल्टीप्लाई बाई 4/84, 4 से 4 कैंसिल कर सकते हैं, ये किससे कट सकता है, 3 से, तो 3 से कट करते हैं, 3 2 जा 6, 3 8 जा 20 और 28 बार में, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 333 बार में ये कट हो गया। लुक हियर, वन मिस्टेक इज देयर, सॉरी फॉर मिस्टेक, 27 4 जा 27 4 में अगर मल्टीप्लाई करेंगे, 27 का अगर हम 4 में मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 4 7 जा 28, 2 कैरी, 4 2 जा 8 टू 10, 4 7 जा 20, 8 2 कैरी, 4 2 जा 8 टू 10, 108 होगा,
108/3 कितना होगा 111, यहाँ पे क्या होगा 111/4 होगा। अब इसको हम करते हैं 999/4 मल्टीप्लाई बाई 4/111 लिख सकते हैं, क्लियर। तो यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल, इसको हम 9 बार में अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 9 बार में 999 कट जाएगा, तो आंसर क्या होगा 9 इज़ द आंसर। तो नंबर आप नोटबुक कितना खरीदा जा सकता है 9, क्लियर। आज के वीडियो में बस इतना ही, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।